नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम इंडियन कल्चर कर रहे थे, इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति, उसी सीरीज का ये एक पार्ट है। तो लगभग 30 से 40 पार्ट मैं इस सीरीज के बनाऊंगा ताकि आपकी जो इंडियन कल्चर है वो काफी इम्प्रूव हो जाए, भारतीय संस्कृति काफी अच्छी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो इन चारों में से जो सबसे प्राचीन है वो कौन सा है। देखिए, ये सबसे प्राचीन जो इनमें वो है वीणा। जो माँ सरस्वती, जो सरस्वती देवी है, वो वीणा बजाती थी और सबसे प्राचीन वही है। सितार, सितार तो बहुत बाद में आया है अमीर खुसरो ने। वीणा और तंबूरा, वीणा प्लस तंबूरा, इन दोनों को मिलाकर ही सितार का आविष्कार किया था। तबला भी, ये आपका तबला भी काफी दिन बाद आया था और सरोद भी बाद में था। सबसे पुरानी वीणा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता, मतलब इन चारों में एक अलग है और वो कौन सा है। तो वो है आपका हारमोनियम। ठीक है, हारमोनियम जो मुंह से बजाया जाता है, जब वो ये अलग क्यों है, वो इसलिए क्योंकि देखिए वायलिन, सरोद और ये गिटार, ये तीनों के तीनों एक ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो तार की सहायता से बजाए जाते हैं। इसमें तार होते हैं, लेकिन हारमोनियम जो है मुंह से बजाया जाता है, तार से नहीं बजाया जाता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। ठीक है, इन चारों में से किसमें तार नहीं होते, तो वह आपका ट्रम्पेट। जो ट्रम्पेट होता है, ढोल की तरह होता है ट्रम्पेट, और इनमें तार नहीं होते। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषिर वाद्य यंत्र है। देखिए, सुषिर वाद्य यंत्र जो है बांसुरी है। एक बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिससे सभी प्रकार के सुर निकाले जा सकते हैं, एकमात्र बांसुरी ही ऐसा वाद्य यंत्र है। तो सुषिर वाद्य यंत्र बोलते हैं बांसुरी को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है। देखिए, ये वाद्य यंत्र होते हैं अलग अलग प्रकार के, होते हैं अलग अलग कैटेगरी होती है इनकी। तो तंत्री वाद्य यंत्र जो है वो संतूर है, ऑप्शन डी संतूर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मृदंग होता है, तो मृदंग क्या होता है। तो दो मुंह वाला जो ढोल होता है मृदंग बोलते हैं उसे, जो दो मुंह का ढोल होता है मृदंग। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो सितार है, सितार का आविष्कारक कहा जाता है अमीर खुसरो को। इन्होंने वीणा प्लस तंबूरा, इन दोनों को मिलाकर सितार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। तो वीणा बजाने में इनमें से एक शासक का जो बहुत फेमस था, और उसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब वीणा बजाने में फेमस था, जबकि जो अकबर है वो जो नगाड़ा होता है, नगाड़ा, उसको बजाने के लिए विख्यात है। नेक्स्ट कि मुगल सम्राट अकबर आ गया ना, किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था। तो वह है नकारा। ठीक है, नकारा मतलब नगाड़े होता है, इसको बजाने में उसने मतलब कुशलता थी, काफी कुशल था। नेक्स्ट है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो बिस्मिल्ला खां बहुत ही ज्यादा फेमस हैं और ये शहनाई बजाते हैं। बिस्मिल्ला खां जो शहनाई वैसी होती है लंबी, उसकी तरह बांसुरी की तरह जो शहनाई होती है, आगे से इस तरीके से बाजा सा होता है, तो उसको बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्ला खां शहनाई को। और नेक्स्ट है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खां हो गया। 11वां देखिए, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अमजद अली खान बजाते हैं सरोद। ठीक है, सरोद बजाते हैं। आप किसी भी बुक को फॉलो करते हैं तो उसमें आपको ना जो हमारी विविध है, विविध उसमें आपको जितने भी ये वाद्य यंत्र हैं उससे संबंधित सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे एक साथ। तो आपको सबसे पहले उनको याद कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यही फायदा होता है कि आपकी प्रैक्टिस होती है इससे। तो आप पहले जाके उन्हें याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, और फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आपकी जो मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने याद हैं। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं क्वेश्चन की विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो मुझसे पहले खुद करने की कोशिश करनी है आपको। तो जो विलायत खान है वो क्या बजाते हैं, तो आपका वो सितार बजाते हैं, विलायत खान सितार, ऑप्शन बी। ठीक है, मुझसे पहले खुद मतलब आपको इसका आंसर देने की कोशिश करनी है, चाहे वीडियो को रोककर चाहे किसी तरीके से। नेक्स्ट है कि नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित हैं किस वाद्य यंत्र से। तो ये नाद स्वरम एक वाद्य यंत्र है, नाद स्वरम, वो नीरू स्वामी पिल्लई उसी को बजाते हैं। नेक्स्ट है कि एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। एस बालचंद्रन आपके वीणा से संबंधित है, ऑप्शन सी वीणा। ठीक है, इसमें कुछ देखिए कुछ खास समझाने वाली बात नहीं होती है कि किसको वाद्य यंत्र बजाते हैं इसमें, तो बस आपको याद करना है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, इसमें कोई खास समझाने वाली बात है नहीं क्योंकि। और नेक्स्ट है कि हरि प्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है। तो हरि प्रसाद चौरसिया ये इंपॉर्टेंट है, तो ये बांसुरी बजाते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि वी जी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है। तो वी जी जोग जो ये किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो ये बजाते हैं आपके वायलिन। ठीक है, वी वी वायलिन। नेक्स्ट है कि अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये इंपोर्टेंट है। अल्लाह रखा खां, तो अल्लाह रखा क्या बजाते हैं, तबला बजाने में बहुत फेमस
फेमस है, अल्ला रखा कहाँ, तबला में। नेक्स्ट है कि गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो गोविंद स्वामी पिल्लई बजाते हैं आपके वायलिन, ऑप्शन डी वायलिन। ये इंपोर्टेंट है 19वां कि पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो पन्ना लाल घोष बजाते हैं बांसुरी, ऑप्शन बी बांसुरी। जो मैं बताता हूँ वो इंपोर्टेंट, देखिए अल्ला रखा का इंपोर्टेंट है, पन्ना लाल घोष इंपोर्टेंट है, और ऊपर से हरि प्रसाद चौरसिया, ये इंपोर्टेंट है। तीन इंपोर्टेंट है, 15वां, 17वां और 19वां। और नेक्स्ट की पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, पालाधार रघु किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो ये बजाते हैं आपका मृदंग, ठीक है, ऑप्शन सी मृदंग। नेक्स्ट है कि लतीफ खान इंपोर्टेंट है, लतीफ खान का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है, लतीफ खान बजाते हैं आपका तबला, ऑप्शन सी तबला, ये इंपोर्टेंट है 21वां। और 22वां की जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये इंपोर्टेंट है, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन बहुत आता है एग्जाम में, तो ये तबला बजाते हैं, जाकिर हुसैन तबला, ऑप्शन डी। वी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, वी सुब्रमण्यम, तो ये बजाते हैं आपका वायलिन, ठीक है। ये पहले भी मतलब जो वी से स्टार्ट होते हैं ना अक्सर, वो वायलिन ही बजाते हैं। यह है बाल मुरारी, मुरारी कृष्ण का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है, बाल मुरारी कृष्ण, तो ये भी आपका वायलिन बजाते हैं। जो अक्सर मैंने बताया था जो बी या वी से शुरू होते हैं ना, वो अक्सर वायलिन ही बजाते हैं, तो ये भी वायलिन बजाते हैं। पन्ना लाल घोष इंपोर्टेंट है, पन्ना लाल घोष का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है, पन्ना लाल घोष क्या बजाते हैं, तो ये आपका सरोद बजाते हैं, ऑप्शन सी। देखिए एक तो सरोद ज्यादा याद नहीं करें, तबला, एक सितार, सितार ये ज्यादा इंपोर्टेंट आते हैं, ये ज्यादा तीनों आते हैं, सरोद तबला सितार, और एक बांसुरी आ जाते हैं, बांसुरी बस। नेक्स्ट है कि उस्ताद जाकिर हुसैन, ये इंपोर्टेंट है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त की है, तो किस वाद्य यंत्र को बजाने में कुशल हैं जो आपके जाकिर हुसैन है, तो जाकिर हुसैन तबला बजाने के लिए मतलब विख्यात है। और नेक्स्ट है कि पंडित किशन महाराज, ये इंपोर्टेंट है, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है, तो पंडित जो है ये किशन महाराज क्या बजाते हैं आपका, तो ये भी आपका तबला बजाते हैं। लास्ट में जिनके महाराज आता है ना, एक बात यहाँ भी ध्यान रखना, जो मैक्सिमम जिनके लास्ट में महाराज आता है, जैसे किशन महाराज, महाराज और बहुत सारे महाराज हैं, तो अक्सर वो तबला ही बजाते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो। नेक्स्ट है कि पंडित रविशंकर को, ये इंपोर्टेंट है, रविशंकर, पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है, तो पंडित रविशंकर जो है वो आपका बजाते हैं सितार, ऑप्शन सी सितार। नेक्स्ट है कि अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये आपकी सितार बजाती हैं, ठीक है। दोनों रविशंकर जो हैं, पंडित रविशंकर और अनुष्का रविशंकर, ये जो है वो सितार ही बजाते हैं। नेक्स्ट है कि यहूदी मेनुहिन का संबंध किससे है, किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं ये, तो ये बजाते हैं वायलिन को, ऑप्शन ए वायलिन। नेक्स्ट है कि वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान, ये इंपोर्टेंट है, अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की है, वो कौन सा है, तो अमजद अली खान जो है वो सरोद को बजाने में निपुण है, बिल्कुल निपुणता प्राप्त की हुई है सरोद को बजाने में अमजद अली खान को। और 33वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व विख्यात बांसुरी वादक हैं, बांसुरी बजाने में जिन्होंने बहुत ज्यादा कुशलता प्राप्त की है, तो वह है हरि प्रसाद चौरसिया। यही बांसुरी में तो ज्यादातर यही आते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया, याद रख लेना इसे, ठीक है। ये जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, पंडित रविशंकर ये सितार बजाते हैं, और शिव कुमार शर्मा ही संतूर बजाते हैं, ठीक है। ये चारों इंपोर्टेंट है, रविशंकर सितार, जाकिर हुसैन तबला, जाकिर हुसैन बहुत आता है, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी, और शिव कुमार शर्मा संतूर। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो सरोद कौन बजाते हैं इन चारों में से, तो सरोद बजाते हैं आपका अमजद अली खान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार आ चुका है इस वीडियो में भी, 2 या 3 बार, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रट गया होगा कि अमजद अली खान क्या बजाते हैं, वो बजाते हैं सरोद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है, तो यानी कि जो इनमें से किसको सभी पुरस्कार मिल चुके हैं, तो वह बिस्मिल्ला खां, जो शहनाई बजाने में इनको मतलब शहनाई बजाने के लिए जो विख्यात है बिस्मिल्ला खां, इनको पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के जितने भी राष्ट्रीय सम्मान हैं सभी मिल चुके हैं। अब देखिए 41वां क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से, तो कौन सा बिल्कुल सुमेलित नहीं है, तो देखिए नहीं नहीं बोला, कौन सा सुमेलित है, ठीक है, कौन सा सुमेलित है, तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन डी है अमजद अली खां, ये सरोद बजाते हैं, ये तो आपको बिल्कुल रट गया होगा, क्योंकि इंपोर्टेंट भी है, रटना भी चाहिए कि अमजद अली खान सरोद बजाते हैं,
इसके अलावा जो पहला गलत है, जाकिर हुसैन जो है वो सितार नहीं बजाते, जाकिर हुसैन बजाते हैं तबला। इसके अलावा पंडित रविशंकर ये आपका पखावाज नहीं बजाते, ये जो पंडित रविशंकर है वो सितार बजाते हैं, सितार। और उसी तरीके से जो हरि प्रसाद चौरसिया हैं ये मोहन बीड़ा नहीं बजाते, हरि प्रसाद चौरसिया बजाते हैं सेनाई, नहीं सेनाई नहीं बांसुरी, ये हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी। ठीक है, तो ये बस इतना ही है इस वीडियो में। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर बताएं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आप ऐसी वीडियोस कंटिन्यू लगातार देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना था, देखने के लिए धन्यवाद।